हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं नई भर्ती के साथ। इंडियन नेवी में ये भर्ती निकली है ट्रेड्समैन के पदों पे। किसके पदों पे? ट्रेड्समैन के पदों पे। टोटल जो पोस्ट है वो 250 है। टोटल पोस्ट 250 है। आईटीआई पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी आईटीआई होना आपका जरूरी है। सैलरी 19,000 से 63,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगी। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन नेवी में जॉब करने के इच्छुक हैं और आप घर पर बैठे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, मुझे पता है, लाइक कर दीजिए फटाफट से। हर भर्ती की इन्फॉर्मेशन यदि आप व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई समस्या है तो वहां पे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये भर्ती निकली है। पोस्ट का नाम क्या है? ट्रेड्समैन स्किल्ड इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में ये भर्ती निकली है ट्रेड्समैन के पदों पे। किसके पदों पे जी? ट्रेड्समैन के पदों पे। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है जी? 1/2023 NAD। ठीक है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने हैं, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने हैं। ये वेबसाइट है आपकी। क्या है जी? ये वेबसाइट है आपकी। ठीक है। ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको जॉब करनी पड़ सकती है, इस बात के लिए तैयार रहेगा। ये जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी की जॉब है, नॉन गैजेटेड टाइप की पोस्ट है। पे स्केल आप यहाँ पे देखिए 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। ठीक है। आईटीआई पास मैंने आपको बताया है तो यहाँ पर आईटीआई की ट्रेड दे रखी है, मशीनिस्ट, टर्नर, क्रेन ऑपरेटर विद हैवी ड्यूटी व्हीकल लाइसेंस। ठीक है। सीपराइट, वुड, कारपेंटर, पेंटर, फिटर, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ठीक है। रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर। ठीक है। फिटर, इंस्ट्रूमेंट, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, क्रेन ऑपरेटर, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। यहाँ पे ट्रेड के नाम दे रखे हैं जी, आप देख रहे हैं, साथ साथ में मशीनिस्ट है। ठीक है। सारी की सारी ट्रेड में नहीं, कोई ट्रेड का नाम आएगा तो बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रोप्लेटर है। ठीक है। तो यदि आपने इन ट्रेड से आईटीआई कर रखी है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और यहां पर दोस्तों दो प्रकार की वैकेंसी है। क्या है? दो प्रकार की वैकेंसी है। एक तो आपकी ये वैकेंसी, ठीक है, एक तो आपकी क्या है भाई, ये वैकेंसी है, और एक दूसरी और टाइप की वैकेंसी है। जो बाकी वैकेंसी बच गई आपकी, इस पोस्ट के अलावा जो बाकी वैकेंसी बच गई, तो वो दूसरी प्रकार की वैकेंसी है। यानी कि दो प्रकार की वैकेंसी है आपके लिए यहां पे। दो प्रकार की वैकेंसी। एज देखिए 18 से 25 साल, 18 से 25 साल एज। एससी कैटेगरी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है। जो लास्ट डेट रहेगी, क्लोजिंग डेट रहेगी फॉर्म भरने की, उस दिन आपकी सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इस भर्ती के लिए। आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक तो भाई इस भर्ती के लिए वुमेन भी अप्लाई कर सकती है, वुमेन फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फीस क्या लगेगी? एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और फीमेल की 0 रुपए फीस है, बाकी जो बच गई कैटेगरी उनकी 205 रुपए फीस है। फीस आपको ऑनलाइन ही जमा करवानी है, फीस आपको ऑनलाइन ही जमा करानी है। तो यहां पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैंने बताया दो प्रकार की वैकेंसी है, एक तो है क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए, एक क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए। तो ये जो पोस्ट है आपकी मैकेनिक की, ठीक है, स्किल्ड, इसमें क्या मांग रखी है दोस्तों? आपकी आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है, और 10वीं पास होना चाहिए इन ट्रेड से। ठीक है। आईटीआई होनी चाहिए और इन ट्रेड से होनी चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो पोस्ट बच गई उसमें क्या मांग रखा है? शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग। ठीक है।
अप्रेंटिस मांग रखी है बाकी की ट्रेड में, इस बात का ध्यान रखें। इस पोस्ट दो प्रकार की पोस्ट है, कुछ वैकेंसियों में आपकी अप्रेंटिस जरूरी है, कुछ वैकेंसियों में सिर्फ आईटीआई जरूरी है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपकी पोस्ट है भाई, आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है यहाँ पे सारी बता रखी है, जो प्रोफाइल आपकी। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम के बेस पे। सिलेक्शन किसके बेस पे होगा? रिटन एग्जाम के बेस पे। क्या प्रोसेस चलेगा? आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, यदि कम फॉर्म आए तो सभी को बुला लिया जाएगा, यदि फॉर्म बहुत ज्यादा आए तो फॉरम में से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो टॉप पर बच्चे होंगे उनको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, यदि ज्यादा बच्चों ने फॉरम भर दिया तो, अदरवाइज सभी को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 10 क्वेश्चन, नमेरिकल एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, अवेयरनेस इन रिलेवेंट ट्रेड 50 क्वेश्चन। जिस ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है उसके 50%, बाकी 10-10 और जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की। यहां पे जो कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन बेस के फॉर्म भरना चाहता है, इलेक्ट्रीशियन बेस के, उसके लिए केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर कोर्स उपलब्ध है। केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर कोर्स उपलब्ध है, वो ज्वाइन कर सकता है। 499 रुपए में इलेक्ट्रीशियन की पूरी थ्योरी आपको मिल जाएगी वीडियो के रूप में, ठीक है, पीडीएफ भी है और एमसीक्यू भी है। इसके अलावा जो बाकी की चीजें बच गई, बाकी की चीजें, इसके लिए जो हमारा ग्रुप डी का बैच चल रहा है केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, वो ज्वाइन कर लीजिए, सारा का सारा कंटेंट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर सिलेबस भी बता रखे हैं टॉपिक वाइज, जनरल इंटेलिजेंस में कौन से टॉपिक पूछेंगे, नमेरिकल एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक पूछेंगे, जनरल इंग्लिश में क्या पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस में क्या पूछेंगे, ये आपका जो आपकी आईटी है उस ट्रेड का फंक्शन है। ये आपका हो गया एग्जाम, एग्जाम के बेस पे ही सिलेक्शन होगा और एग्जाम डेट आपको जल्द बताई जाएगी वेबसाइट के ऊपर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे, ठीक है। 7 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 28 दिन, 7 तारीख से 28 दिन काउंट कर लीजिए, तब तक आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। ऑनलाइन आपको आवेदन भरने हैं, फॉर्म भरना है ऑनलाइन, सेंटर का काम है तो भाई सेंटर के डॉक्यूमेंट लगाने हैं, सेंटर का काम है तो सेंटर के डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, सेंटर के डॉक्यूमेंट, जैसे एससी का सर्टिफिकेट है वो सेंटर का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है वो सेंटर का होना चाहिए, इसमें बीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगता, इसमें ओबीसी का सर्टिफिकेट लगता है तो वो सेंटर का होना चाहिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट नया होना चाहिए 3 साल के अंदर अंदर का, ईडब्ल्यूएस का 1 साल के लिए वैलिड होता है, आपको पता होगा, तो इन बातों का ध्यान रखें। तो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी, पोस्ट का नाम बता दिया, टोटल पोस्ट बता दी और सैलरी बता दी, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, बाकी क्या बच गया? बाकी बचा आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, पेज पर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर आप जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हर प्रकार की जॉब की इंफॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पर भी पा सकते हैं, 70 15 24 34 91, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा और आपको सारे मेरे जो स्टेटस में लगाता रहता हूँ उन स्टेटस को आप देख पाओगे, ठीक है जी। तो ये मामला है भाई इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन स्किल्ड के पदों पर भर्ती होने का। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।